अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद उज़्मा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट स्टाइल तवा पनीर की रेसिपी। ये बहुत डिलीशियस बनने वाला है, तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ मैंने पनीर को ले लिया है क्यूब्स में कट करके, एक शिमला मिर्च ली है, दो मीडियम साइज़ की अनियन ली हैं जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था, और यहाँ मैंने लिए थे तीन टमाटो जिसकी मैंने बहुत अच्छे से बिना पानी डाले प्यूरी बनाई है, और यहाँ मैंने लिया है हाफ कप दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने तड़के के लिए कुछ देखिए, ये दो तेज़पत्ते, तीन साबुत मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 6 से 7 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी जावित्री का है, और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ स्पाइसेस। तो देखिए, यहाँ पे है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला। ये रेडीमेड है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, हम जो है ना इस तवा पनीर को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हमें तैयार करनी है एक ग्रेवी। तो हम लेंगे बाउल, बाउल में डालेंगे हम 1/2 कप दही, और दही जो है ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही लें आप। और देखिए, यहाँ मैं डालूँगी 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और यहाँ मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, टिक्का मसाला, रेड चिली पाउडर, सारे जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो सारे हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये जो टमाटो प्यूरी ली थी इसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम लेंगे एक मिक्सर, उसकी मदद से हम सारे मिश्रण को मिक्स करेंगे, और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करना है हमें, ज़्यादा भी नहीं करना, पतला नहीं हो जाए। और देखिए, यहाँ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून फूड कलर। फूड कलर हमने इसलिए डाला है क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं, तो कलर भी तो वैसे ही आना चाहिए ना, तभी मज़ा आएगा हमारी रेसिपी में। तो देखिए, यहाँ मैं लूँगी एक फ्लैट तवा। अगर आपके पास थोड़ा फ्लैट नहीं है, थोड़ा गहरा है तो और अच्छा है, क्योंकि इसमें ग्रेवी आराम से पक जाएगी। देखिए, यहाँ मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, 1.5 टीस्पून ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल ले लें आप, या घी चाहें तो घी ले लें। और देखिए, यहाँ पर मैंने अनियन और शिमला मिर्च को डाल दिया है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मतलब ऐसा रहने देना है हमें, हम साथ साथ पकाएंगे, लेकिन एक साथ हमें इसे ऐसा नहीं करना, बहुत ज़्यादा पका लेना है, क्रंची क्रंची सा रहने देना है। और देखिए, इसमें ही फ़ौरन से मैंने इसमें डाल दिया है, पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर दिए हैं। इसका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये हैंड टू हैंड चीज़ें बनती हैं, मतलब ऐसा नहीं है आप पकने के लिए इसे छोड़ दें और ये पकता रहेगा, नहीं हम बाद में देख लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता। ये जो है ना बहुत हैंड टू हैंड कुकिंग होती है, फौरन ही ये तैयार हो जाता है। और देखिए, इस तरह से मैं इन चीज़ों को कर दूँगी साइड, और मैंने जो फ्लेम है गैस की उसे कर दिया है मीडियम, ताकि वो बीच में रहे आग, और ये हल्के हल्के ना साइडों से पकते भी रहें। तो यहाँ मैंने देखिए लिए हैं 7 से 8 क्यूब्स लिए हैं मैंने बटर के, उसे मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ ऑयल भी ऐड किया है मैंने। और देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना हम साइड में करके, अब मैं इसमें जो है ये तड़का डालूँगी, जो हमने तेज़पत्ते, ज़ीरा वगैरह लिया था, साबुत मिर्चें, इस तड़के को हम इसमें पका लेंगे बटर में और ऑयल में। और जब ये जो है तड़क जाएगा, अच्छे से चटक जाएगा, तो देखिए ये जो मैंने ग्रेवी बनाई है इसको मैं हाफ़ इसमें ऐड करूँगी, हाफ़ इसमें ऐड करके पकाऊँगी, और हाफ़ मैं अलग बनाऊँगी इसे, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। अभी मैं हाफ़ इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरह से, और ये पनीर और अनियन हमने साइडों में इसलिए किया था ताकि हमारी ग्रेवी जो है ना, जो लिक्विडी है थोड़ी, तो वो थोड़ी भागे नहीं निकल निकल के तवे पे से, तो इसलिए हमने इसमें बीच में ग्रेवी को ऐड कर दिया था। अगर आपके पास तवा जो है थोड़ा गहरा है तो उसमें और अच्छा है, लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब देखिए, मैं सारे मसाले को, और आपको इसे छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएगा, इसमें अनियन मसाले। और अब मैंने इसकी फ्लेम कर दी है हाई, और अब मैं इसे चम्मच से, देखिए चम्मच की मदद से चला चला के इस तरह से मैं पकाती जाऊंगी इसे, इस जब तक पकाना है जब तक इसका ऑयल जो है, जो घी है, बटर है, इसका रिलीज़ नहीं हो जाता और ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इस तरह से चला चला कर ना इसे पकाते रहेंगे इसी के पानी से। अब देखिए, ये
जो है इसका, अब हमने जो ग्रेवी हमारी हाफ रह गई थी ना, तो मैंने तवे में दूसरे में ग्रेवी डालकर बना ली थी, और मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था, सिर्फ मैंने इसमें ऐड किए थे 3 टीस्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम जो है, जो हमने अलग से ग्रेवी पकाई है उसमें फ़्रेश क्रीम ऐड की थी 3 टीस्पून बस, और कुछ नहीं। वो अलग से पक रही है क्योंकि मेरा तवा जो है ना फ्लैट है, उसमें ग्रेवी पूरी पक नहीं पाती, तो मैंने अलग से पकाई है। तो देखिए जब ग्रेवी पक गई ना, तो मैंने सारी, जब वो थिक हो गई ग्रेवी, तो मैंने इसमें ऐड कर दी है सारी ग्रेवी, मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसकी कर दूंगी मिक्सिंग, और इसको मैं अभी 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। और देखिए ये जो अनियन है हमारी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए, शिमला मिर्च इसके साथ, बस इस तरह से हमें ना चला चला कर, वैसे ये रेडी हो चुका है मज़ेदार सा हमारा तवा पनीर। देखिए कितना डिलीशियस, अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है हमारा तवा पनीर। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती है, आप इसे इंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक कर लो, तेरे को सब्सक्राइब करो, बेल लगा दबाओ।